नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब चार्ट एनालिसिस करूँगा। कम स्किनर आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, और कल के लिए जो व्यू दिया था मैंने बाय सेल लेवल रिकमेंडेशन, तो उसका परफॉर्मेंस आज कैसे रहा, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे मैच किया वो भी दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और ये वीडियो को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा, और बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन भी मिल जाएगा, और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट देने का हेल्प करेगा, और बहुत सारा चीज़ है, हाउ टू सिलेक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरडे स्टॉक्स, पेयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आर्बिट्रेज, और भी बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेंड का ट्रेड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखते हैं निफ्टी का चार्ट पहले। अच्छा, मैंने ठीक है, इधर निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हुआ, मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हूँ। इधर देखिए डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, वो भी 132,157 आप लोग इधर देख सकते हैं, 132,157 इधर 32,211, तो डबल टॉप ये ब्रेक कर चुका है, लेकिन इसका ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग होने से थोड़ा सा बाकी है। तो इधर इसका ट्रेंड जो स्ट्रॉन्ग होने का और भी बाकी है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज है ये पिवट पॉइंट को क्रॉस करना है, तो तब जाके ये 32,500 जाने का कोशिश करेगा। तो देखते हैं उसको कैसा ये करता है। तो इतना तक जाएगा इस एक्सपायरी में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मेरा लगता है कि ये कंसोलिडेट करेगा। और निफ्टी का व्यू मैंने देखता हूँ, निफ्टी 50 का भी वही डबल टॉप फॉर्म ब्रेक कर चुका है, ये 147 में इसका डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस था 11,162 इसका ये ब्रेक कर चुका है, 182 में क्लोज हुआ था, 182 आ गया था, 179 में क्लोज हुआ है। तो इसका ऊपर वो जाएगा तो 210 तक ये ऊपर जा सकता है, उसके बाद 238 तक जा सकता है, मैंने रात को ये लेवल भी दे दूंगा। तो इधर ये भी ये कंसोलिडेट करने का ही चांसेस ज़्यादा है, तो क्योंकि इधर इसका भी ट्रेंड अप ट्रेंड अभी भी कंफर्म होने का, मतलब वन डेली का डेली चार्ट का हिसाब से इसका ट्रेंड अभी भी पक्का नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड इसको अभी तक कह नहीं जा सकता। और इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो इसका जो PCR रेशियो है 1.70 हो गया, 1.70 के ऊपर है, तो ये कॉन्ट्रेंट लेने का चांसेस बहुत ही मतलब नीचे आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और इधर 12,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है, कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, पहले तो 12,200 में, उसके बाद 12,300 में, तो ये 12,200 में इसका शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो इसको इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाने का, इंडिकेट कर रहा है। और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 12,100 में सपोर्ट बना है पुट साइड में, इधर भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये जो 12,300 में जो ओपन इंटरेस्ट है ये बहुत ही कम, ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है, 12,200 में इंटरेस्ट ज़्यादा है, 12,200 में ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ज़्यादा है, लेकिन पुट साइड से कम है। तो इधर देखना पड़ेगा, इधर मेरा तो लगता है ये इधर ये कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 12,200 के ऊपर जाएगा भी तो 210-230 तक जा सकता है, और उसके बाद ये कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोबेबिलिटी इस एक्सरसाइज में ज़्यादा है। और निफ्टी बैंक का इसका चार्ट एनालिसिस करूँगा तो इधर PCR रेशियो 1.20 है, 1.22 है, 1.25 है, तो इधर अभी भी क्वालिटी है ऊपर जाने का, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, 12,325 में इसका रेजिस्टेंस बना है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में,
और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 32,000 में है। इधर सपोर्ट बना है, इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इधर आई भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका प्रोबेबिलिटी मैंने देख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आप लोग देखता है इधर 12,165 में क्लोजिंग हुआ है। कॉल इम्प्लाइड वैरायटी या पुट इम्प्लाइड वैरायटी है और 2 दिन का एक्सपायरी है। इधर 12,100 में सपोर्ट है और 12,300 में इसका रेजिस्टेंस है। तो इधर जाने का प्रोबेबिलिटी मतलब 12,100 के पास जाने का मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी निफ्टी का ज़्यादा है। और इधर 32,140 इधर 32,000 में इसका सपोर्ट है, 32,500 में इसका रेजिस्टेंस है। 32,000 के पास मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और देखिए मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल देता हूँ तो उसका परफॉर्मेंस आप लोग को निफ्टी बैंक निफ्टी का कैसा रहा वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने रेगुलर बेसिस पे ये आप लोग को दिखा देता हूँ। तो 32,070 में इसका बाइक का एंट्री लेवल था, तो चार्ट में एक बार देख लेते हैं कहाँ पर एंट्री ले सकते थे। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 32,100 में, 32,100 में ओपन होने के बाद ये 32,000 ओपन हुआ था 32,144। तो एटलीस्ट 15 मिनट के बाद भी आप लोग एंट्री लेते थे। तो 144 इधर देखिए टारगेट 3144 था। इसका मैंने बार बार बोलता हूँ जब वीडियो बनाता हूँ कि जब ऊपर या नीचे खुलेगा तो उसका नेक्स्ट लेवल अगला लेवल देखना पड़ेगा। तो इधर इसके ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो इधर 32,283 था कि ऊपर गया था, और नीचे का लेवल आया था क्या नहीं एक बार देखना पड़ेगा। 31,981 ये आया नहीं था। और निफ्टी का एक बार देख लेते हैं, निफ्टी का बाय का एंट्री लेवल, निफ्टी का बाय का एंट्री लेवल 12,112 में था। इसका ओपन हुआ था 12,099 में। तो इधर 12,099 में 12,129 मतलब 12,122-129 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो इधर आप लोग को 12,161 तक फर्स्ट आवर में आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था। उसके बाद ये तो फिर भी ऊपर ये ब्रेक होने के बाद, ये लेवल ब्रेक होने के बाद फिर ये 12,200 तक ओपन ऊपर गया था। और इधर मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ, इस फाइल में भी एक बार चेक कर लेते हैं। इधर 32,425 इसका बाई लेवल आया नहीं था, और सेल का भी आया नहीं था, इसका भी बाई लेवल आया नहीं था, सेल का एंट्री लेवल आया नहीं था। ठीक है दोस्तों, रात में मैंने बाई सेल का ये निफ्टी बैंक निफ्टी कमोडिटी इक्विटी और बैंक निफ्टी फ्यूचर सब का मैंने बाई सेल लेवल आप लोग को दिखा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।